भाई मेरा बस चले ना तो भूले रहो ना भाई, यूके मंगवा लूँ मैं भाई। क्या फील आती है इसको चलाने में, और पत्थर ऐसे रखे हैं जैसे बस किसी ने रखे हों, और इसके आसपास घर भी बने हुए हैं तो ऐसे लगता है भाई कभी भी लुढ़क सकते हैं। ओके लेट्स गो। हेलो वन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई लोग धूप देख रहे हो यहाँ पे, तो भाई मैं इंडिया आया हूँ एक महीने के लिए छुट्टियों से, यूके से, आप सभी को बता दूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई मैं यूके में रहता हूँ और व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। तो भाई आज का सीन ये है, मैं जा रहा हूँ बग्गड़, बुआ जी का लड़का है उसके साड़े की शादी है। तो भाई हम दिखाते हैं, मैं झुंझुनू में रहता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे शेरवानी वगैरह उसकी सेलेक्ट करनी है, अभी तक ली नहीं है। और वेदर तो भाई राजस्थान में हमेशा ही एक नंबर रहता है। और भाई ये पीछे मेरा घर है, और भाई ये है हमारी बुल्ली, ये इतनी एक्टिव है भाई खाना भी छोड़ देती है अगर गेट पर कोई आ जाए। अभी ये वेट कर रही है मम्मी की तरफ से कि भाई कुछ खाने को दो मेरे। बुल्ली देख छाछ पीनी। और भाई जो सबसे बड़ी चीज़ है जो यूके में नहीं मिलती वो है देसी छाछ। तो भाई मैं जब से आया हूँ मैं बोल दिया भाई दूध दही कुछ नहीं खाना, वहाँ सब मिलता है लेकिन छाछ नहीं मिलती भाई वहाँ पे। तो मैं पीता हूँ भाई छाछ सुबह शाम एक करके, तो फटाफट पीते हैं और फिर निकलते हैं भाई। तो भाई इधर खड़ा ये ट्रैक्टर, ईंट वीट गिरा रखी है, थोड़ी रिपेयरिंग का काम चल रहा है घर में जहाँ अपन गाय भैंस रखते हैं। और ये खड़ी है भाई अपनी बुलेरो। भाई मेरा बस चले ना तो बुलेरो है ना भाई, यूके मंगवा लूँ मैं भाई। क्या फील आती है इसको चलाने में। तो भाई ये कुछ ऐसा नज़ारा घर के आगे का, और ये है भाई अपना घर एक नंबर। तो भाई लोगों बुलेरो को चलाने का है ना भाई राजस्थान में, मैं तो बोलूं भाई कहीं भी हो चलाने का मजा ही अलग है। इतनी ऊंची गाड़ी आती है भाई यहाँ बैठ के, मेरे पास यूके में है फोर्ड फोकस तो वो थोड़ी नीची है, इसको मैं बैठ के भाई ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं मैं कहाँ बैठ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो भाई अभी निकलता हूँ। तो भाई ये है गांव का नज़ारा कुछ ऐसा ही है, गांव की रोड, और भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। मतलब गाँव में आया तो ये देखो इधर रोड बन गई गली में, ये पहले नहीं थी। और गाँव में हमारे डॉक्टर साहब हैं भाई, बस स्टैंड वगैरह बनवा दिया, कैमरे लग गए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा भाई, और ये बढ़िया चीज़ है भाई। और उस ऐसे ही अगर डेवलपमेंट होता ना गांव में, कोई विकास करवाए तो भाई दो आदमी और करवाते हैं, ये गेट यहाँ भी लगने वाला कुछ दिनों में। तो भाई गांव है तरक्की के ऊपर। और भाई धूप देख रहे हो आप, ऐसी धूप भाई इंग्लैंड में मिल जाए ना किसी को, अंग्रेज तो भाई बावड़े हो जाए एकदम। और भाई ये देखो जो है भाई राजस्थान की एकदम पहचान आ गए भाई भेड़ बकरी वाले। तो भाई अब मैंने इस गाड़ी वाले को साइड दे दी थी भाई, अपन आराम से चलेंगे अपनी व्लॉगिंग करते हुए, और भाई खड़े रहो ये अपने आप निकल जाएगी। तो भाई ये देख के चलो, एक नंबर का धंधा भाई, अगर आपको करना हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बंदा ढूंढ लो, कम से कम भाई ये 200-300 भेड़ बकरियाँ होंगी, ये एक है 15-20 हज़ार की, और कैलकुलेशन कर लो आप कितने रुपये की होगी ये भाई, ज़बरदस्त धंधा आज के टाइम में ये। तो भाई अगर आप यूके में रह रहे हो तो भाई एक नंबर की धूप है। जब भी मैं भाई घर पे कॉल करता था ना तो भाई जब वीडियो कॉल में भाई धूप वगैरह तो दिखती है, अब भाई वीडियो कॉल में अच्छी लगती थी। तो भाई अपन आराम से खड़े हैं और ये भाई अपने हटा लेते हैं भेड़ बकरी, फिर अपन चल लेंगे। तो भाई एक चीज़ आपसे बोलूँगा, जब भी आपको भेड़ बकरी वाले या कोई गाय रास्ते में मिलती है तो भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो, उनका डंडा मत करा करो पी पी पी। तो भाई जैसे हम तो भाई यूके में चलाते तो हमें पता है भाई कैसे क्या साइड देना, बड़ा पेशेंस वाली ड्राइविंग होती है वहाँ पे। अगर आगे से कोई आ रहा है तो साइड में रोक लो, उसको साइड दो, जाने दो। तो भाई फालतू में पीपी मत करा करो पीछे, और एकदम जेन्युइन बंदे की तरह जाने दिया करो भाई। ये गरीब लोग हैं, अपना आना जाना जैसे जैसे करके गुजारा करते हैं, किसान लोग हैं जो भी हैं, तो भाई इनकी हेल्प करा करो और फालतू में डंडा मत करा करो, इनके साथ कोऑपरेट करा करो कि भाई मैं खड़ा हूँ आराम से, दो मिनट लेट होएगी 5 मिनट लेट होएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फालतू में आप करोगे कोई भेड़ बकरी के लग गई अगले के तो नुकसान हो जाना है, और फिर तुम भी परेशानी में पड़ जाओगे। एक बस स्टैंड देखो यहाँ बन गया है सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो, पहले भाई ये नहीं था, और नई नई रोडें बन गई हैं, ये वाला स्टैंड बना अभी, और भाई एक नंबर की रोड बन गई है। तो अभी भाई भाई अपना वेट कर रहा है तो फटाफट चलते हैं और पहुँचते हैं, नहीं तो बोलेगा यार तूने 11 बजे का नाम लिया था, तूने 12 बजा दी, तो फटाफट चलते हैं अब।
एक भाई लोग को जैसे ये देखो, अपने तो ईंट भट्ठे यहाँ पे ऐसे होते हैं, मेरे को इंग्लैंड में रहते हुए भाई 2 साल हो गए, मैंने आज तक कभी ईंट भट्ठा नहीं देखा। और मेरा ये टारगेट है कि यार इंटरनेट पे ढूंढ के ईंट भट्ठे का कोई कॉन्टेक्ट करके किसी ओनर से और एक ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को वहाँ पे है ना 2 साल हो गए गए हुए, कभी मैंने ईंट भट्ठा नहीं देखा इंग्लैंड के अंदर। तो अब की बार मेरा ये टारगेट है कि ढूंढ के और उनसे बातचीत करके उनको एग्री करके भाई मेरे को एक ब्लॉग बनाना, साला पता तो चले कि तुम काम कैसे करते हो यहाँ पे ईंट भट्ठा। और भाई ईंट का ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, सरकार डिसाइड करती है कि तुम्हें मकान अगर तुम बना रहे हो तो कौन सा तुम ईंट यूज करनी है, ऐसे नहीं तुम्हारी मनमर्जी। जैसे अपने तो भाई एक नंबर दे दे, दो नंबर दे दे, खंगर दे दे या कुछ और दे दे, भाई वहाँ पे है ना काउंसिल डिसाइड करती है कि आपको कौन सी ईंट यूज करनी है। तो अब की बार मेरा पूरा टारगेट है कि ईंट भट्ठे पे ब्लॉग जरूर बनाना मेरे को। अभी ना भाई थोड़ी देर में आपको एक अजूबा दिखाने वाला हूँ, हमारे एरिया में ना एक पहाड़ी है, आपको दिखाता हूँ, अजूबे से कम नहीं है वो। तो भाई लोगों मैं ना उस पहाड़ी की बात कर रहा था, ये देखो बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे लग रहा जैसे किसी ने रखे हों, बहुत बड़ी पहाड़ी है और बड़ी फेमस है। अभी इसके पास से ही मैं जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ फिर। तो भाई लोगों ये वाली पहाड़ी है और पत्थर ऐसे रखे हैं जैसे बस किसी ने रखे हों, और इसके आसपास घर भी बने हुए हैं, तो ऐसे लगता है भाई कभी भी लुढ़क सकते हैं। और काफ़ी फेमस मंदिर है, यहाँ पे लोग बाग आते हैं अपने बच्चों को लेके। तो भाई लोगों पहले ना इस पहाड़ी का कॉमर्शियल यूज भी होता था, जैसे ग्रेनाइट आता है किचन वगैरह में, इसके टाइल वगैरह बनाते थे। और फिर कुछ सालों के बाद में सरकार ने बैन कर दिया, और जो इसके अंदर यहाँ पे माइंस वगैरह होती थी वो भी बंद कर दी। लेकिन इसका पत्थर जब स्टार्टिंग में था तो बहुत फेमस था भाई, काफ़ी मतलब विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता था और बहुत सुंदर पत्थर इसका निकलता था। अगर आज तक आई थिंक वो शुरू रहता, माइंस वगैरह शुरू रहती, तो आज तक ये जो अजूबा मैंने आपको दिखाया है तो भाई ये पहाड़ी शायद ख़त्म हो जाता। तो सरकार का ये बोलना चाहूँगा भाई बहुत अच्छा डिसीजन था कि इसको बंद कर दिया, और एक ऐसी जो नायाब आप बोल सकते हो भाई, अजूबे से कम नहीं है ये पहाड़ी भी। हेलो, क्या मौसम है यार, ऐसा मौसम साला यूके में क्यों नहीं है। और भाई क्या रोड है, एकदम सीधी, देख रहे हो आप, एकदम सीधी। ये रोड अभी नई बनी है, पहले नहीं थी, बहुत टूटी फूटी रोड थी। और ये जगह जहाँ पे जा रहा हूँ बुआ जी के पास 10 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन रोड इतनी खराब थी भाई पहुँचने में 1 घंटा लग जाता, और अब लगती है भाई खाली 10 मिनट, देख रहे हो आप। तो फटाफट चलते हैं आप। तो भाई ये अपने भाई दुबई रहते हैं और कल शाम को ही पधारे हैं। भाई आ गया आप ससुराल से लेने, ट्रिपल एस पी ससुराल से सहायता प्राप्त। देख ऐसे बोल बोले, शादी में तुमने एक बाइक दी थी, अब एक और शादी है तो गाड़ी दे दो। सही है साहब, शादी के अंदर 2 जनानी दी, एक ठीक है, एक लाडी दी, एक गाड़ी दी, एक खून पीती है और एक तेल पीती है, परेशान हो गया दोनों से। मैंने बोला था ना भाई शादी मत करो। नहीं भाई साहब, मना तो सभी करते हैं, अनकरनी जरूरी है। बस वही सब चोट खा रहे थे, हम भी खा ले। हाँ बोल। देखो भाई साहब ये वो गली है, मोदी जी खुद आ रहे हैं चाय पीने के, मोदी जी खुद आ रहे हैं। और बिल गेट्स को ऑफर दिया, बिल गेट्स थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया वो। तो भाई ये झुंझुनू का मार्केट, हम जा रहे हैं भैया के लिए शेरवानी देखने। एक दुकान अपन ने पहले देख ली है, वो देखेंगे शाम को जाके, तो एक और जगह हम जाके और आपको दिखाते हैं भाई झुंझुनू का मार्केट। ये सारी दुकानें तोड़ी जाएंगी भाई पास। पहले दुकान पे फोटो लेनी अलाउ को नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है, नर्वस नहीं हो ना? खराब थोड़ी हो, नर्वस मत हो ना। अच्छा ठीक है।
तो भाई जहाँ अभी हम है ना, ये है झुंझुनू की सबसे फेमस दुकान राजा साहब, बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम दो तीन दुकान ट्राई करेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ लेनी कहाँ लेनी। तो इससे पहले मैं एक दुकान पे और गए थे, वहाँ ज़्यादा ऑप्शन थे भाई, तो यहाँ भी ट्राई करते हैं और उसके बाद। हाँ भाई, भाई कमेंट करके बताओ कौन सी बढ़िया, ये वाली बढ़िया लग रही है क्या आपको, कौन सी पसंद आ रही है? हाँ दूल्हे राजा, आपको कौन सी पसंद आ रही है? फर्स्ट नंबर से। ये तारा है बट्टे हुए ना भाई, कैसा लगा आपको? तो भाई लोगों, इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि फिर वो एक दो दुकान के ऊपर और गए थे दोनों भाई, और फिर मैं आ गया था घर पे, क्योंकि मेरे को भाई पैकिंग वैकिंग करनी, मेरे को निकलना था दिल्ली यस की शादी के लिए। तो भाई मिलते हैं दिल्ली में और एक नए व्लॉग के साथ, यस की शादी में वहाँ भी इंजॉय करना, धमाल मचानी है। तो सी यू गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे अब व्लॉग डालूँ आपके पास आ जाए। और कुछ ही दिन रह गए, फिर निकलते हैं यूके, और फिर यूके की जर्नी अपनी जारी रहेगी।